वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक ज्ञान। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेसिंग करना बताऊंगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं कि ट्रेसिंग कैसे करते हैं। आपको ट्रेसिंग करने के लिए अपनी फाइल को पहले एनिमेट में इंपोर्ट करना होगा। आपके पास दो तरीके हैं करने के। एक सिंपल है, आपके पास आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एनिमेट के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर लाकर अपनी फाइल को छोड़ दें, ये आपकी फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। क्यू प्रेस करके आप छोटा कर लें और यहाँ स्पेस से आप छोड़ दें। गाइस, अभी आउटलाइन में आपको दिख रही है तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से मैंने आउटलाइन ऑन कर रखी थी। तो इस तरीके से भी आपकी फाइल आ जाएगी। एक तरीका ये है फाइल इंपोर्ट करने का। दूसरा है फ्रेंड्स, आप यहाँ जाएंगे फाइल में, इम्पोर्ट ऐप में जाएंगे, इम्पोर्ट टू स्पेस और लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में करेंगे तो आपकी यहाँ लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर जाएगी। फिर आपको ड्रैग करनी पड़ेगी स्पेस पर। आप स्पेस पर करेंगे तो ये स्पेस पर आएगी। मैं अभी स्पेस पर ही कर रही हूँ। लोकेशन कहाँ है फाइल की हमें वो बतानी है। मैंने यहाँ पर ओपन कर ली, तो आप ये देखिए यहाँ पर इसने एक और फाइल हमारे पास खोल दी। तो इस तरीके से आप फाइल अपनी इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, फाइल तो हमारे इम्पोर्ट हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेसिंग आप कर कैसे सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास आप जो इमेज है आप देख रहे हैं, इसमें मल्टीपल टाइप्स की कैट है। तो मैं आपको ट्रेसिंग तीन तरीके से करना बताऊंगी, जो भी आपको अच्छा तरीका लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, आप इमेज लेके आ गए। इमेज लाने के बाद आप इमेज वाली लेयर को लॉक कर दीजिए, अदरवाइज क्या होगा, आप ट्रेसिंग के बाद मूव अपना ट्रेसिंग वाला करेंगे शेप और मूव इमेज हो सकती है, या फिर हम जो भी ट्रेस कर रहे हैं वो गलती से इस लेयर पर भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस लेयर को आपको लॉक रखना है। देन क्रिएट न्यू लेयर, ठीक है, आप लेयर की प्रॉपर नेमिंग करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी नेमिंग कर दी है। अब मैं यहाँ पर आपको ट्रेसिंग बता रही हूँ। मैं फर्स्ट आपको बता रही हूँ जो नॉर्मली सब यूज करते हैं मेथड, वो है पेन टूल, ठीक है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, आपको पेन टूल हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। नॉर्मली ग्राफिक्स के और एनिमेशन के जितने सॉफ्टवेयर है तो ज्यादातर पेन टूल यूज किया जाता है। गाइस, मैं यहाँ पर आउटलाइन का कलर चेंज कर रखा है, मैंने स्काई ब्लू कर रखा है, सिर्फ इसलिए जिससे कि आपको अच्छे से हाईलाइट हो आउटलाइन। अदरवाइज मैं ब्लैक लूंगी तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक हो सकता है, थोड़ा सा हाईलाइट ना हो, इसलिए मैंने अभी कलर को चेंज कर रखा है। मैं फिल कलर को अभी नन कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब मैं इसको यहाँ से बनाना शुरू करती हूँ। मैंने फर्स्ट क्लिक किया, देन सेकंड क्लिक, स्ट्रेट लाइन आई, यहाँ मुझे कर्व लेना है। मैंने क्लिक किया और हल्का सा ड्रैग किया, ये मेरे को कर्व मिल गया। देन मैंने आगे क्लिक किया, अब आपको जहां पर कर्व है वहां क्लिक के बाद आपको छोड़ना नहीं है, क्लिक के बाद आपको क्या करना है, ड्रैग करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये पेन टूल की हेल्प से मैं ट्रेसिंग कर रही हूँ। अभी यहाँ पर हल्का सा कर्व है, हाँ, इसको इस तरीके से भी। अब मुझे यहाँ पर देखिए, मैं क्लिक कर रही थी, कर्व भी आ रहा है, मुझे कर्व नहीं चाहिए था। तो मैं क्या करूंगी, क्लिक इसके पॉइंट पर ही करूंगी, तो ये क्या होगा, हमारा जो कर्व है वो ब्रेक हो जाएगा। और ये ब्रेक होने के बाद जैसा भी मैं चाहूँ इसे सेट कर सकती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से, मुझे यहाँ से भी ब्रेक करना है, मैंने इसकी फेस को ट्रेस कर लिया है अभी। अब थोड़ा बहुत जैसे आपको कहीं पॉइंट में लगता है प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आप ये सब सिलेक्शन टूल ले लीजिए। इससे आपको ये हैंडल्स मिल जाते हैं, कंट्रोलर होते हैं ये, आप इससे अपनी शेप को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। या फिर अगर आपको जैसे लग रहा है कि नहीं हमें यहाँ एक और पॉइंट ऐड करना है, तो मैंने जो टूल्स की एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको सारे पेन टूल के यूज बताए हैं, आप कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये देखिए, मैं हैंडल से इसे कंट्रोल भी कर सकती हूँ, जिससे मुझे थोड़ा ज्यादा कर भी चाहिए था यहाँ पर, तो मैं इस तरीके से इसे शेप में ला सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम ही कुछ करना है, लेकिन हाँ, कभी सेम टू सेम ड्रॉ भी करना होता है तब भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी पूरी ड्रॉ नहीं करके दिखा रही हूँ, मैं फेस ड्रॉ करूंगी इसका, जिससे कि आपको मैं जल्दी से तीनों पॉइंट क्लियर कर सकूं। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं ये मेरा फेस हो गया है।
अब मुझे आइस के लिए आप देख रहे हैं सिंपल एक सर्कल है, मैं नॉर्मल सर्कल ही बना रही हूँ आइस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये सर्कल बनाया, यहाँ से मैं फिर नॉर्मल टूल पे आ गई हूँ, मैंने सर्कल को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। फिर मैंने एक और सर्कल बनाया है, बड़ा सर्कल है, शेप के साथ बनाइएगा जिससे कि इक्वल बने, प्रोपोर्शन में बने बिल्कुल। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, आईज के अकॉर्डिंग हम इसे बड़ा कर रहे हैं जैसे हमारी आईज में है बिल्कुल वैसे ही दिखाने के लिए हम। ये हो गया हमारा सेट, यहाँ पर मैंने एक छोटा सर्कल बना दिया शेप के साथ, इसके लिए इसकी आईज का जो व्हाइट वाला पार्ट है इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से मैंने क्या किया है इसे ऑल्ट के साथ कॉपी किया और दूसरी तरफ मैंने ड्रैग करके रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये किया ट्रेसिंग। अब मुझे क्या करना है, अभी मेरी कैट का काफी सारा पार्ट रह गया है जैसे कि यहाँ पर, यहाँ मैंने इस तरीके से ये कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी अदरवाइज वो आगे लेकर रहेगा। हमने यहाँ पर ब्रेक कर ली है लाइन अपनी, अगर आपकी लाइन ब्रेक नहीं भी हुई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको उसके लिए भी एक तरीका बता दूंगी। आपने लाइन कर दी, हमारी लाइन अगर सीधी आई है हम लाइन टूल लेके भी इसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। फ्रेंड्स अगर इसमें कहीं हमारी लाइन ब्रेक नहीं भी हुई होती है, वो एड होके आ रही है तब भी अगर आपसे नहीं हुई है ब्रेक, तो आप परेशान मत होइएगा, वो इसके अंदर ट्रेसिंग के बाद आप इजीली कोई भी लाइन डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अब ये आ रहा है, मैं बाद में भी इस लाइन को डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है इससे क्लिक करूंगी, लाइन को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, आप दोबारा से पेन टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है उसमें, आप इस तरीके से टूल को अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नहीं हो पा रहा है एक बार में सेलेक्ट करके या क्लिक करने से नहीं जा रहा है वो। जैसे हम यहाँ कर्व आ रहे हैं तो इस छोटे से पॉइंट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए ये जो छोटा सा पॉइंट आ रहा है यहाँ क्लिक कीजिए, आप आगे क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल सही आएगा। कहीं पर भी थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी रहा है फ्रेंड, तो वो बाद में एडजस्ट हो सकता है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम या टेंशन कीजिए कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं हुई या कुछ भी ऐसा सोचने की नहीं, ये आपको लग रहा है पॉइंट थोड़ा सा आगे होना चाहिए, आप आगे कर लो, इसको सेट करना है आप सेट कर लो। देन मैंने फिर से पेन टूल लिया और इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने ये ट्रेसिंग कर लिया, अब आते हैं हम कलर फिल करने के लिए। मैं शॉर्टकट से कलर फिल करके दिखा रही हूँ आपको, आई से मैंने कलर फिल किया और के से मैंने फिल कर दिया। ये देखिए पूरे में फिल हो गया, यानी कि हमारा पार्ट कहीं ना कहीं से ओपन है। अब हमें उस पाथ को क्लोज भी करना होगा, हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं अभी, मैं यहाँ आ जाती हूँ, मुझे यहाँ पर ये थोड़ा सा पाथ लग रहा है कि खुला है तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी मेरा पाथ खुला था, तो मैंने आई से कलर लिया एंड फिल। अभी भी ये कंप्लीट में फिल कर रहा है, हम देख लेते हैं हमारा पाथ कहीं ना कहीं खुला है, चलिए वो हम अभी देख लेंगे। आप ये भी कर सकते हो कि आप आउटलाइन में भी कलर दे सकते थे, जैसे कि इसकी आईज के चारों तरफ येलो वाला पार्ट है, आप वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कलर को ड्रॉप कर रहे हैं अपने। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे देखना है कि यहाँ मेरे में कलर जो है पूरा आउटर में भी आ रहा है, इनमें भी आ रहा है, तो मुझे वो चीज सेट करनी है अभी, तो कहीं पर भी खुला ना रहे और मेरा कलर अच्छे से फिल हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आप ट्रेसिंग करते हैं तो आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाते हैं। हमारे पास लेटेस्ट वर्जन में आई थिंक ये ऑप्शन शो नहीं, इन्होंने दिए नहीं है, जो हमारे पास ओल्ड वर्जन थे उसमें हम यहाँ से क्लोज गैप कर सकते थे। अगर हमारे पास कोई माइनर सा गैप ओपन है तो हम वो भी कर सकते हैं, अगर कोई पुराना वर्जन यूज कर रहा है तो।
उस ऑप्शन वहां पर उस स्क्रीन पर वो शो होगा उस सॉफ्टवेयर पर, ये सॉफ्टवेयर मैचिंग ये वाली फैसिलिटी इन्होंने नहीं दी है। कोई नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए ये पता लगाने के लिए कि मेरा पाथ कहाँ से खुला है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा डाउन करती हूँ, देन मैं कलर फिल करके देखती हूँ। अभी भी ये पूरे में हो रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा ओपन है पाथ। फ्रेंड्स, अब हमारा पास कहीं भी ओपन नहीं है, हमने सब जगह से क्लोज कर दिया है, ये हमारी कैट ट्रेस हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमारी थोड़ी सी, जैसे कि मैंने अभी यहाँ आउटलाइन को नीचे कर दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप आउटलाइन बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो इतना ही पार्ट सेलेक्ट होगा और इजीली डिलीट भी हो जाएगा, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, सेट हो जाएगा बाद में भी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये सब सेट कर दिया, मैं इसको छोटा कर रही हूँ और अब आउटलाइन का आप कलर चेंज इसका कर सकते हैं इजीली। आप इसकी आउटलाइन का कलर ब्लैक कर दीजिए, मैंने अभी पूरी नहीं की है फेसिंग, इसकी कान वगैरह नहीं बनाया है, या जैसे आईज में आउटलाइन नहीं है तो आप आउटलाइन नन कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप जैसा आपको अच्छा लगता है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये था मेरा पेन टूल से ट्रेसिंग का तरीका। अब मैं आपको जो बता रही हूँ इस वाली कैट पे बता रही हूँ मैं आपको स्क्वायर से, आप स्क्वायर से या ओवल से किसी से भी कर सकते हैं, मैं स्क्वायर से आपको ये वाली कैट को ट्रेस करने का थोड़ा सा प्रोसेस बता रही हूँ। आपने इस तरीके से कैट का कलर जो भी आप वो कलर ले लीजिए, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी शेप क्या है वो उसके अकॉर्डिंग मैच कर रही है नहीं स्क्वायर से। ठीक है, मैंने ये ले लिया, मुझे आउटलाइन कलर भी चाहिए ब्लैक और ये भी चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे आउटलाइन मोड पे कर दिया है। अभी मैं एक न्यू लेयर ले लेती हूँ, दूसरी तरीके का ट्रेसिंग मैं नई लेयर पे बना रही हूँ, ऊपर लेयर पे कर लेती हूँ मैं। और मैंने यहाँ से क्या किया, इसे स्क्वायर बनाया एक। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर बनाने के बाद मैंने इसे आउटलाइन मोड पे कर लिया जिससे ये मुझे शो होता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, शो होता रहे। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ से मैं सब सिलेक्शन टूल पे गई हूँ, यहाँ से आप क्या कर सकते हो इसे इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आपने, मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने इसे यहाँ एडजस्ट कर लिया और इस पॉइंट को मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद आप एंड प्रेस करके यानी कि लाइन टूल लेके इस तरीके से इसे नीचे कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कॉर्नर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे कि यहाँ पर कुछ कॉर्नर चाहिए अगर, तो मैं और इस तरीके से ऑल्ट के साथ भी कर सकती हूँ। मैं आपको दोबारा करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे यहाँ से एक कॉर्नर चाहिए, पहले मैं इसे नीचे ले लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे लेने के बाद मुझे यहाँ से कॉर्नर चाहिए, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, उसके बाद इसको इधर ब्रेक कर दिया, इधर ऑल्ट प्रेस किया, इसको इधर ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ मैंने मूव करके इसे सेट किया। ठीक है, आप यहाँ से इसे मूवमेंट करके फिट करा दीजिए, इधर से मूव करके मैंने इधर सेट किया है, सेंटर वाला भी मैंने सेट कर दिया। ये देखिए, मैंने स्क्वायर से पूरी शेप बना दी है, कोई मैंने पेन टूल वगैरह यूज नहीं किया। अब मुझे यहाँ पर भी शेप बनानी है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से थोड़ा सा हमें ब्रेक करना पड़ेगा इसे, हम ऑल्ट के साथ ब्रेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मैंने ये ऑल्ट के साथ ब्रेक कर दिया, इधर इधर भी मैंने ब्रेक करा, ये इधर शेप आ गई। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्वी शेप आ रही है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ इधर की तरफ, मैंने ऑल्ट के साथ ये इधर प्रेस कर दिया कॉर्नर में और फिर मैंने इसको ऊपर उठा दिया। ठीक है सर, इसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए जैसे भी आपको लगता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, मैं ऑल्ट के साथ लाइन को, ये मैंने ऑल्ट के साथ यहाँ से लाइन को क्या किया, कट किया है। एक बार ऑल्ट के साथ मैंने लाइन को यहाँ कट किया, इस लाइन को स्ट्रेट करके मैं यहाँ पर ले गई, ये देखिए लाइन बाहर जा रही है, मैं इसके ऊपर ले आती हूँ और यहाँ से मैंने इसको कर्वी लाइन को ऊपर कर दिया। यहाँ से हमारी फ्रेंड की लाइन कट नहीं हुई है अभी, तो मैंने इसको यहाँ से कट करा है पूरा।
प्रॉपर तरीके से आप अभी भी आप देख सकते हो कट नहीं हुई है ना, तो और प्रेस करके मैं से नीचे ले आई, इसे यहाँ सेट कर दिया तो यहाँ पर आपको बस जो कट लगाने हैं उसका आपको ध्यान रखना है। आप ज्यादा कट लगा देंगे तो आपकी जो ट्रेसिंग है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, तो आप जो ऑल के साथ कट लगाएंगे वो बहुत ध्यान से लगाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मैंने आपको स्क्वायर से एक फेस ड्रॉ करके दिखाया है। अभी आप इसको देखेंगे जूम करके तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है, अभी इसकी शेप मैंने ऑल्ट के साथ, पहले आपको ऑल्ट प्रेस करना है फिर इसे करना है। आप ये देखिए मेरी अभी ये शेप जो इतनी बनाई है मैंने, ये मेरी परफेक्ट बन गई है शेप। ये देखिए यहाँ से ये जो आ रहा है इसे हम एक्स्ट्रा को हटा देते हैं, आई से मैं कलर पिक कर रही हूँ, कैसे हमारा कलर शेप के अंदर डल जाता है, कोई भी हमारी शेप है हम उसके अंदर कलर को इन कर देते हैं। आप तो ये कलर मेरा फिल नहीं हो रहा क्योंकि ये शायद मेरा डिलीट हो गया है बनाते समय पार्ट, तो मैं इसको क्या करूंगी अब ज्वाइंट कर देती हूँ इसको, कहीं से भी हमारा पार्ट जो है फ्रेंड्स वो खुला नहीं रहना चाहिए। अगर हमारा पार्ट कहीं भी ओपन है कहीं भी तो वो कलर नहीं फिल करेगा। अब हमारा कलर इसके अंदर फिल हो चुका है लेकिन आउटलाइन में था इसलिए हमें दिख नहीं रहा था। तो इस तरीके से आप कर सकते हो स्क्वायर की हेल्प से ट्रेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा सा इधर मूव कर रही हूँ ऊपर की तरफ, आपको ये दिखता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे स्क्वायर की हेल्प से, ये है हमारे पेन टूल की हेल्प से। अब मैं आपको थर्ड वाली बता रही हूँ लाइन टूल की हेल्प से। ठीक है, जो हमने स्क्वायर में भी यूज किया था बट यहाँ पूरी लाइन टूल से ही करेंगे, हम कोई स्क्वायर कोई पेन टूल यूज नहीं करेंगे। लाइन टूल से हम कैसे करेंगे, लाइन टूल हमारा ये है, इसकी शॉर्टकट होती है आपकी एन, आप जब टूल पे जाएंगे तो आपको शो कर देगा वो। ठीक है, मैं शॉर्टकट से ही काम कर रही हूँ, सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट होती है वी बिफोर एन। ये मैंने यहाँ से लाइन टूल से एक लाइन ड्रॉ की, ब्लैक लाइन आ रही है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ जिससे कि आपको मैं हाईलाइट कर पाऊँ। ठीक है, ये मैंने लाइन ली है यहाँ से, मैं सिंपल लाइन टूल से ट्रेसिंग कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कोई अलग से टूल यूज नहीं करूँगी। सिंपल देखिए आप लाइन टूल से मैं क्या कर रही हूँ, इसको एक सिंपल लाइनिंग में ब्रेक कर रही हूँ अभी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में, आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो। ये देखिए मैंने इस तरीके से लाइन टूल से इसका एक बेसिक बना लिया। अब मैंने शेप ये नॉर्मल सिलेक्शन टूल लिया है और अब मैं इसे क्या करूंगी, कर्व करूंगी। यहाँ से कर्व है, ईयर बेसिस की कर्व है, मैंने यहाँ से कर्व कर दिया। ठीक है, आप थोड़ा स्मूथली काम कीजिएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर कर्व है, यहाँ मैंने कर्व कर दिया, नेक पे भी हल्का सा अगर आप कर्व दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से, और ये मैंने इधर भी कर्व कर दिया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लग रहा है, आप ज्वाइंट पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट सा दे देगा, एक पॉइंट आप इसे स्मूथ कर सकते हैं थोड़ा सा इधर उधर करके। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपने एंड प्रेस किया, लाइन टूल आ गया आपके पास, फिर आपने इस तरीके से ये कर दिया। तो आप इस तरीके से हेल्प से, लाइन टूल की हेल्प से भी ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको लाइन टूल की हेल्प से भी ट्रेसिंग करके दिखाई है, मैंने कंप्लीट नहीं ट्रेस किया है क्योंकि उससे क्या होगा हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा टेकिंग हो जाता, बट मैंने जो आपको मेन प्रोसेस है वो मैंने आपको करके बता दिया। ये है आपकी फर्स्ट वाली आपकी पेन टूल से, सेकंड वाली है आपकी रेक्टेंगल से, और थर्ड वाली है आपकी लाइन टूल से। तो इस तरीके से आप मतलब तीन तरीके मैंने आपको सिखाए ट्रेसिंग के, आपको जो तरीका बेस्ट लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। जो ज्यादातर यूज होता है फ्रेंड्स वो लाइन टूल का करते हैं नॉर्मली लोग, लेकिन अगर आप किस तरीके से रेक्टेंगल की से ट्रेसिंग करेंगे तो आपकी ट्रेसिंग के अंदर कहीं भी कॉर्नर्स वगैरह ज्यादा नहीं आते, स्मूथ ट्रेसिंग आती है। लाइन टूल वाले से क्या होता है, हमारे कहीं ना कहीं ज्वाइंट हाईलाइट हो जाते हैं, दिख जाती है, वो उतनी स्मूथ नहीं बनती है। तो अगर आपको स्मूथ बनानी है तो उसके लिए आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया है ट्रेसिंग का, पेन टूल का, रेक्टेंगल टूल का, ये लाइन टूल का, आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स
कमेंट में जरूर बताइएगा अपने क्वेश्चन, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियो के अपडेट आपके पास आते रहें। थैंक यू फ्रेंड।